नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो लॉकडाउन को लेकर है। सूत्रों से हमें खबर ये मिल रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील भी की है, साथ ही विशेषज्ञों ने भी केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इसके बाद केंद्र सरकार विचार कर रही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री समूह बनाया गया है इसके लिए और वो मंत्री समूह की आज बैठक भी हुई है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तमाम केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल भी हुए जो इस समूह का हिस्सा भी हैं। और ऐसे में कई राज्यों की तरफ से भी ये मांग आई थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी हैं उसके मद्देनजर ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और लगातार ये बैठकों के दौर जारी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। आपको सुनाते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा है। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे, जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। आई थिंक हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। पूरी दुनिया में इस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों से सीख के हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम कोरोना से कैसे डील करेंगे। मोटे मोटे तौर पे सब देशों के एक्सपीरियंस देखने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि आपको कोरोना से 3 कदम आगे रहना है। अगर आप सोते रहे और कोरोना फैल गया तो उसके बाद आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोरोना से, जो देश कोरोना से 2 कदम आगे रहे, 3 कदम आगे रहे, उन्होंने कोरोना को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया। भारत को इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। हमने आज भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, मैंने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिए हैं। एक, कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए। दूसरा, किसी भी प्रकार के उपचार में कहीं कोई स्थिरता न हो, इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो। और इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ, हिमांशु इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ ही मुनीश हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो कहा वो आपने सुना हिमांशु, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ये अपील कर दी, यानी स्टेप बाय स्टेप तस्वीर सामने आ रही है और सभी ने एक सुर में हामी भरी है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। 14 अप्रैल के बाद क्या सूरत हो सकती है, क्या खबरें केंद्र सरकार के हवाले से सोर्सेज से आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारे को अभी तक पता चल रहा है वो यही है कि जो बात सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें तो लगातार जो है कोरोना वायरस के जो पीड़ित
लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और उसको देखते हुए सभी राज्य ये चाहते हैं कि सबसे पहले इसको काबू किया जाए, उसके बाद ही जो है लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक बार अगर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया तो लोग जो हैं शायद जिस तरीके से अभी बंधे हुए हैं उनको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा और इस संक्रमण का फैलना ज़्यादा वो रहेगा। और इसीलिए सरकार लगातार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बात कर रही है, लोकल स्तर पर भी बातचीत चल रही है, सभी मंत्री जो हैं डीएम और एसएसपी से बात करें, सबको राज्यवार जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि अभी जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें सामने आना बाकी है, और जिस तरीके की स्थिति अब सामने आ रही है उसके बाद ये मान के चला जा सकता है कि 14 तारीख के बाद भी जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कब कितनी समय सीमा के लिए जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि सभी सरकारों से कंसल्ट करने के बाद ही सरकार ये फैसला लेगी। और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अंदर ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि आप सबको देखना होगा कि लॉकडाउन को कैसे हटाया जाए, इसकी रणनीति बना के देना होगा, क्या क्या आप कदम उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसको देखना, एक्सपर्ट्स की राय, और साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो मंत्री सभी ग्राउंड लेवल पर जो है सभी जिलों के डीएम और एसएसपी से बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है और कितने दिन के लिए जो है लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाती है। बिल्कुल, और यही सवाल इस वक्त उन सभी लोगों के मन में भी होगा जो इस खबर को देख रहे हैं, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर 14 अप्रैल के बाद की सूरत क्या होगी। मुनीश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो क्या कहीं पर पार्शियल रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, यानी कुछ जिलों में सख्ती के साथ लॉकडाउन बढ़े लेकिन कुछ जगहों पर लोगों को थोड़ी रियायत दी जाए ताकि कुछ लोग जो जहां तहां फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकलने में मदद मिल पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और इस विकल्प पर सरकार जो है विचार करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इस वक्त जो हालात हैं देश में, तकरीबन 270 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में जो मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है वो कुछ स्टेट्स यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में ज़्यादा वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वहाँ पर जो लॉकडाउन है उसमें कोई रियायत दी जाती है कि नहीं दी जाती है। दूसरा विकल्प यह भी है कि कहीं जो रियायत है वो जिला स्तर पर भी दी जा सकती है, रियायत जो है राज्य स्तर पर भी दी जा सकती है, और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर हॉट जोन, जहाँ पर कोरोना से संक्रमित लोग हैं लेकिन अगर उसके आसपास के जिलों में देखें तो वहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग नहीं हैं, तो क्या ऐसे में वहाँ पर लॉकडाउन को खोल देना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी सरकार का जो मेन फोकस है वो कोरोना वायरस तो है ही, लेकिन साथ साथ लॉकडाउन को खत्म करना भी एक विकल्प है, क्योंकि इसके साथ साथ ही आर्थिक स्थिति जो है उसे भी बेहतर करना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और जिस बात की जानकारी हिमांशु और मुनीश इस वक्त दोनों दे रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार है लेकिन ये किस तरह से आगे बढ़ेगा उसकी रूपरेखा पर भी जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन इस बीच हमने आपको वो अलग अलग विकल्प भी दिखाए कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसमें क्या क्या विकल्प सरकार के सामने हो सकते हैं और क्या कोई पार्शियल रिलैक्सेशन की तस्वीर भी सामने आ सकती है। लेकिन आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि आगे उनकी सरकार का प्लान क्या है। केजरीवाल ने अपनी सरकार के 5T प्लान का ब्यौरा दिया और ये उम्मीद भी जताई कि ये कारगर होगा। 5T प्लान है, पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है, और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया नीचे, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जांपल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसको इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है, अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की,
वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। एक आदमी पॉजिटिव निकला, उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर मैं इन 100 लोगों से मिला था। हमने उन 100 लोगों को कहा कि भाई आप अब सेल्फ क्वारंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फोन नंबर दिए हैं ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3,000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। 3,000 क्रॉस कर जाता है तो हम जीटीबी हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। जीटीबी में हमारे पास 1,500 बेड्स हैं तो 4,500 बेड्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6,000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीज़ें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूँगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो पूरा एक खाका खींचा उसमें संकेतों में भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। और देखिए हिमांशु, जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि 30,000 तक भी अगर संक्रमण होता है दिल्ली में तो 30,000 मरीजों के लिए भी, चाहे वो हॉस्पिटल्स एक्वायर करना हो, होटल्स में सिस्टम तैयार करना हो, धर्मशालाएं चाहे उनको अरेंज करनी पड़े, वो सब करने के लिए तैयारी की जा रही है। तो इसे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो है, राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार, वो तैयार है इस तरह की स्थिति के लिए कि हजारों की तादाद में भी अगर संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए इंतजाम आपको 3 कदम आगे रहकर करने होंगे। देखिए बिल्कुल ये जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सही कह रहे हैं कि अगर लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, अगर हम एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो उसमें लगभग दुगनी हो गई है दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। अगर इसी तरीके से हालात जो हैं वो बिगड़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसको लेकर तैयारियां केंद्र सरकार ने भी की हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो रेलवे के कोचेस के अंदर जो हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, उसको जो है वार्ड के अंदर तब्दील किया जा रहा है, इस तरीके की तैयारियाँ। दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्री को ये कह दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सभी होटलों को एक्वायर किया जाएगा, सभी जितने गेस्ट हाउस हैं सभी मंत्रालयों को, उनको भी ये निर्देश दे दिया गया है कि वो अपने अपने गेस्ट हाउस के अंदर इस तरीके की तैयारियां कराने की शुरुआत करें। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि उनके जो लोग प्रिपेयर हैं, जो डॉक्टर्स तो नहीं है लेकिन उन्होंने जो बेसिक मेडिकल फर्स्ट एड की तैयारी की है उसके लिए एक बड़ी खबर हमारे पास राजस्थान से भी आ रही है। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने यहां पर एक नया स्टेटमेंट दिया है कि आगे रैपिड टेस्टिंग होगी, यानी तेजी से टेस्टिंग का जो मामला है उसको बढ़ाया जाएगा। और इसके मद्देनजर वहां किस तरह के इंतजाम है ये भी आप देखिए, टास्क फोर्स जो है वो इस कदम में आगे आएगी और प्रदेश में एक हफ्ते में ही ये रैपिड टेस्टिंग शुरू भी की जाएगी। अगर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर आप गौर करें, यानी भीलवाड़ा का मामला हो गया या जयपुर में जिस तरह से मामलों की संख्या बढ़ी है तो राजस्थान के लिए भी स्थिति बहुत विकट है। और हमारे साथ इस वक्त जयपुर से शरद कुमार जुड़ गए हैं। अब क्या फैसला सरकार की तरफ से अभी शरद लिया जा रहा है? मीनाक्षी, रैपिड टेस्ट किट जो है राजस्थान पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि कल से ये जांच शुरू कर दी जाएगी।
रैंडम सैंपल उठाया जाएगा, क्योंकि रामगंज का जो इलाका है इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, एक एक घर में 20 से 25 लोग रहते हैं, ऐसे में बेहद मुश्किल हो रहा है। 400 लोगों को वहां से निकाल के दूसरी जगह ले गए हैं, उसके बावजूद ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि कहां और कैसे ये फैले हुए हैं। काफी जमात के जो इलाके हैं जिसे टोंग के हैं, बीकानेर के हैं, पोखरण के हैं, वो सब करीब करीब रामगंज के तौर पर डेंसली पॉपुलेटेड है। वहां पर ये किया जाएगा कि वहां रैंडम टेस्टिंग की जाएगी किट से। इसमें होता क्या है कि ब्लड टेस्ट से आप सटेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट जो है वो तुरंत आ जाते हैं। अभी जो स्वाब ले रहे हैं वो 24 घंटे लग रहे हैं, और करीब आपको आप देखेंगे 24 घंटे से 400 सैंपल गए हैं रामगंज, इसके रिपोर्ट अब तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत कम थी, सवाई मानसिंह में 1300-1400 से टेस्ट हो पा रहे थे, जबकि 3000-4000 सैंपल राजस्थान से आ रहे थे। ऐसे में जो रैपिड टेस्टिंग किट आई है, इससे ब्लड टेस्ट के जरिए जल्दी से जल्दी परिणाम आएगा, उसके परिणाम के स्वरूप आइसोलेशन क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाएगी। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में लगातार फैल रहा है उस पर काबू पाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच सबके मन में इस वक्त सवाल यह है कि 14 अप्रैल के बाद क्या लॉकडाउन खत्म होगा। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी लॉकडाउन को खत्म करने या बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक इस बीच हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, रामविलास पासवान, सुरेश गंगवार, पीयूष गोयल समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में देश भर में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि अभी लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं किया गया है, लॉकडाउन पर फैसला लेना अभी जल्दबाजी होगा। इससे पहले कोरोना से जंग में केंद्र सरकार ने दो अहम फैसले किए। देश के सभी सांसद, मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तक एक साल के लिए 30% कम वेतन लेंगे, तो वहीं सांसद निधि 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये सारा पैसा अब कोरोना से लड़ने के काम आएगा। पहले फैसले के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी सांसद, मंत्री अपनी इच्छा से 30% सैलरी कम लेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी कटौती वाली सैलरी लेंगे। ये फैसला 1 साल तक लागू रहेगा। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है कि अगले 2 साल के लिए सांसद निधि फंड को स्थगित कर दिया गया है। साल 2020-21 और 21-22 में सांसदों को मिलने वाला फंड अब कोरोना से लड़ने के लिए लगाया जाएगा। हर सांसद को 5-5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे। कोरोना में कारगर मलेरिया की दवा पर उठे विवाद को लेकर भारत सरकार ने इस बीच सफाई दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी जरूरतमंद देशों को सप्लाई करेंगे पैरासिटामोल और HCQ दवा के भारत के निर्यात पर। भारत सरकार ने यह कहा है कि निर्यात के लिए कंपनीज के पास पर्याप्त स्टॉक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में भारत से इस दवा की मांग की थी। ट्रंप ने सप्लाई नहीं होने पर बदले की कार्रवाई की बात तक कह दी थी। विदेश मंत्रालय ने लेकिन यह साफ कर दिया है कि अपने नागरिकों के लिए दवा का पर्याप्त भंडार रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन पड़ोसी देश और कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों की भी हम मदद करेंगे। ट्रंप के धमकी वाले बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया और कहा कि दोस्ती में नहीं होनी चाहिए बदले की भावना। 4421 पहुंच चुकी है देश में कोरोना के मरीजों की तादाद। कल से अब तक 833 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 114 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना 24 घंटे में 18 लोगों की इससे मौत पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों में 73% पुरुष और 27% महिलाएं शामिल हैं। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले 34% लोगों की उम्र 42 से 60 साल के बीच है, तो 40 साल से कम उम्र के 47% मामले सामने आए हैं। पूरे देश में 1445 केस मरकज से जुड़े मिले हैं। जमात कनेक्शन के 25,000 लोगों को अभी तक किया गया है क्वारंटीन, तो वहीं जमातियों को ही फंडिंग की जांच करने की बात सामने आई है। अब मरकज से जुड़े आरोपियों के बैंक खाते क्राइम ब्रांच खंगालेगी। यूपी में अब तक 308 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा कि 168 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में लोग खुलकर दान दे रहे हैं। योगी ने दावा किया कि टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होगा यह सारा पैसा। इस समय यूपी में काम कर रहे हैं 10 टेस्टिंग लैब। सभी मंडलों के जिला अस्पतालों में भी लैब शुरू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। जल्द ही यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजेस तक कोरोना जांच की सुविधा बढ़ेगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में जांच कलेक्शन सेंटर बनेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।